एवरी वन, टैरट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए पेंडुलम रीडिंग लेकर आई हूँ और पेंडुलम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या होने वाला, आपके पर्सन क्या आपसे बात करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे तो कब तक करेंगे, और जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए क्या होने वाला है। ठीक है, तो मैं दो बार पेंडुलम यूज़ करूँगी, पहले हम करेंगे नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए और फिर हम करेंगे कॉन्टैक्ट वालों के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मुझे भी नहीं पता होगा क्या कार्ड्स रहेंगे, आपके साथ ही मैं भी देखूंगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स से, उनके पर्सन क्या कांटेक्ट करने वाले हैं, अगर करने वाले हैं तो बताएं पेंडुलम से, नहीं करने वाले हैं तो भी बताएं पेंडुलम से। सो इस डेक को मैं करूंगी रैंडमली टू पार्ट्स में डिवाइड और हम देखेंगे किस तरफ की एनर्जी आती है, क्या मैसेजेस एंजल्स आपको देना चाहते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा पास कर देते हैं। ठीक है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स कौन सा मैसेज रीड करना है मुझे, मेरे व्यूवर्स के लिए कौन सा मैसेज रीड करना है। एनर्जी फर्स्ट डेक की तरफ जा रही है, बिल्कुल दिख रहा होगा आपको, ये इस डेक पे आ रही है एनर्जी। सो ये मैसेजेस रीड करूँगी मैं। तो पहला मैसेज है जजमेंट। आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, बहुत जल्द डिसीजन लेने वाले हैं। ओके, ये जो डिसीजन है ये शादी से रिलेटेड है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग से रिलेटेड है, स्टेबिलिटी से रिलेटेड है, कमिटमेंट से रिलेटेड है। अगर आप मैरिड हैं तो भी, अपने पर्सन के लिए अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं तो भी, ये शादी से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा डिसीजन आने वाले समय में लेने वाली हैं या लेने वाले हैं। और अगर आप अपने पर्सन से शादी करना चाहते हैं तो भी ये कोई बहुत बड़ा डिसीजन शादी से ही रिलेटेड होने वाला है। बहुत समय से इस डिसीजन को लेने के लिए आपके पर्सन प्लान कर रही थी या कर रहे थे, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपके पर्सन हो सकता है आपसे बात ना कर रहे हों, आपसे नो कांटेक्ट में हो, उन्होंने आपसे पास्ट में ये बातें बोली हों कि शायद ये आपसे शादी नहीं कर पाएंगे, शायद ये आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। बट अब इनका माइंडसेट चेंज हुआ है, अब इन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, इन्हें आपके लिए, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना है। आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, इनके घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इनके घर में हो सकता है इस बात को लेकर बहस छिड़ी हो कि नहीं मुझे अपनी मर्जी से ही शादी करनी है। डिप्रेशन में है, इस बात से भी घर वालों को इफ़ेक्ट हो रहा है कि इनका पर्सन, इनका बच्चा, बेटा बेटी जो भी है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, सफरिंग में है, रात रात भर सो नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, इनका कहीं भी मन नहीं लग रहा, ना इनके वर्क प्लेस पे मन लग रहा है, ना इनके घर में मन लग रहा है। हो सकता है कि आपके पर्सन के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी आप दोनों को अलग करने की कोशिश कर रही है, जो भी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, वो इस बात को नोटिस कर पा रहे हैं कि उनके घर में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो सही नहीं है। इन सब कारणों से ही आपके पर्सन नो कांटेक्ट में है। हो सकता है ये उनकी मदर हो, क्योंकि मून की एनर्जी है, तो ज़्यादातर लोगों के लाइफ में हो सकता है मदर बहुत डोमिनेटिंग हो, जिनकी वजह से आपके पर्सन आपसे दूर हुए हैं कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस देकर। लेकिन आपके पर्सन ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में लेकर आए, ये खुद आपको कॉल मैसेज करेंगी या करेंगे और बहुत जल्द करेंगे। यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जहाँ भी, जिसकी वजह से भी इन्होंने आपसे इमोशनली विड्रॉ किया है, वो थर्ड पार्टी से मूव ऑन होकर आपके साथ यूनाइट होंगे। आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो नंबर है 4, 4 नंबर की वाइब्रेशन है। तो अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो 4 आवर्स या 4 डेज या 4 वीक्स के अंदर मैक्सिमम, इस टाइम लिमिट के अंदर ज़्यादातर लोगों के पर्सन रीच आउट भी करेंगे और आपको एक सॉलिड कमिटमेंट भी देंगे। तो गाइज, ये जो रीडिंग थी ये नो कॉन्टैक्ट के लिए रीडिंग थी, अब हम मिलते हैं कॉन्टैक्ट्स वालों के लिए। हेलो एवरीवन, अब मैं जो रीडिंग करूँगी पेंडुलम रीडिंग, ये उनके लिए होगी जो कॉन्टैक्ट में हैं, जिनकी बातचीत हो रही है, जिनकी कमिटमेंट भले ना मिली हो या परमानेंट रीयूनियन भले ना हुआ हो, बट बातचीत हो रही है।
तो आइए देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। इस डेक को मैं करूंगी रैंडमली टू पार्ट्स में डिवाइड, और हम देखेंगे कि एंजल्स हमें कौन से पार्ट को रीड करने के लिए बोलते हैं। जो पार्ट को रीड करने के लिए बोलेंगे उसी में आपको जवाब मिलेगा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, कौन सा पार्ट रीड करना है मुझे मेरे उन व्यूवर्स के लिए जो कॉन्टैक्ट में हैं, जिनकी बातचीत हो रही है एक दूसरे से। जो डेक मेरे हाथ की तरफ रखा है उसकी तरफ वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है फिलहाल, तो बाकी देखते हैं। हाँ, मेरे तरफ के डेक को रीड करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, तो इसे हम साइड में कर देते हैं। फर्स्ट कार्ड है, वाह क्या बात है। देखो, मुझे भी नहीं पता था कि कार्ड कौन से हैं, क्योंकि आपके सामने ही डिवाइड किया है मैंने, बट जो डेक मैंने एंजल्स के बोलने पे उठाया है उसमें पहला ही कार्ड यूनियन का है। तो अगर आप ऑलरेडी कॉन्टैक्ट में हैं, अगर आप ऑलरेडी यूनाइटेड हैं, तो ये स्पिरिट गाइड्स को आपको थैंक यू बोलना चाहिए, आपके एंजल्स को आपको थैंक यू बोलना चाहिए, आपके जो भी ईष्ट हैं जिनको भी प्रे किया था आपने, उनको थैंक यू बोलिए। अभी इसी वक्त अपनी आँखें बंद कीजिए एंड से थैंक यू टू यूनिवर्स, से थैंक यू टू योर एंजल्स। आपके पर्सन से रिलेटेड जो मैसेज है वो ये है कि आपके पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन है। अगर अभी वो आपसे बातचीत कर भी रहे हैं तो वो इमोशनली बहुत हैप्पी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो उनके लाइफ में सब कुछ सुधर गया है, उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो गया है, वो बहुत ज़्यादा सरेंडर मोड पे हैं एक तरीके से। लेकिन उनकी विश है आपके साथ रहना, उनकी विश है आपको अपने लाइफ में रखना, और आपके साथ उनको जो हैप्पीनेस फील होती है वो इनको कहीं और फील नहीं होती। तो हो सकता है ये आपसे बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर ना किए हों, इन शॉर्ट थोड़ी बहुत चीज़ें शेयर किए हों। ये हो सकता है कि अभी आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, कम्युनिकेट ज़रूर कर रहे हैं बट आपसे कभी ऑन कभी ऑफ ऐसा बिहेवियर रख रहे हैं, कभी बात करते हैं कभी आपसे आपको ब्लॉक कर देते हैं या नो कॉन्टैक्ट में चले जाते हैं। लेकिन ये बहुत जल्द आपके लिए केयर फ्री होकर एक्शन लेंगे। इस रिश्ते में थोड़ा समय ज़रूर लगेगा आगे कमिटमेंट में, लेकिन ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे, आपको क्लैरिटी भी देंगे, इस रिश्ते में आगे चल के सक्सेस मिलेगी, फ्यूचर में यहाँ पर सक्सेस नज़र आ रही है। आपके पर्सन के दिल में किसी बात का फियर है, जिस वजह से बात तो कर रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। हो सकता है कि आपको याद करते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए आपको अपने साथ रखा हुआ है ताकि आपकी याद ना आए और ये रिलैक्स होकर अपने काम पर फोकस कर सकें। लेकिन इनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है आपके साथ। इस रिश्ते के फ्यूचर में है विक्ट्री एंड सक्सेस। बॉटम ऑफ द डेक है रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। अगर इनको आपके साथ सक्सेस के लिए आगे चल के फैमिली, लोग, समाज, सोसाइटी से लड़ना पड़ा तो ये वो भी करेंगे, लेकिन ये आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये एक प्रॉपर डिसीजन लेंगे टू एंड दिस थर्ड पार्टी। जो भी कार्मा है उसको हील करेंगे, क्लिंस करेंगे, ताकि आपके लिए स्टैंड ले सकें इस रिश्ते में। तो गाइस, ये उन लोगों की रीडिंग है जो कॉन्टैक्ट में है, और आपके फ्यूचर के लिए जो कार्ड आया है वो है स्टैंड योर ग्राउंड विद द सेलिब्रेशन। आपके पर्सन अभी जितना आपसे डिस्टेंस बनाना है बना लें, बट आगे चल के ये आपको एक सॉलिड कमिटमेंट ऑफर करेंगे। गाइस, इस रिश्ते का फ्यूचर है परमानेंट यूनियन, यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपकी रीडिंग शुरुआत हुई है टू ऑफ कप से और एंडिंग हुई है हारमोनी से, और लकीली देखिए ये दोनों कार्ड्स इस डेक में हैं, ना कि इस डेक में। इस डेक का पहला कार्ड है रूट चक्रा ब्लॉकेज, फिर है ऑब्स्टेकल्स, फिर है ब्रेकअप, फिर है थ्री ऑफ सोर्ड्स। देखिए कैसे कार्ड है इस डेक में, मैं आपको ये भी दिखा रही हूँ, क्योंकि भगवान नहीं चाहते, एंजल्स नहीं चाहते थे कि वो डेक जाए, उन्होंने पूरा प्रेशर इधर को लगा दिया। सो थैंक यू एंजल्स, और से थैंक यू टू एंजल्स एंड क्लेम दिस रीडिंग। जो भी कॉन्टैक्ट में हैं, होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए। मेरे डेक की हालत देखिए, मैंने कैसे भी रख दिए हैं कार्ड्स, बट इट्स ओके, आप सब अपने ही हैं, सब सोल फैमिली है, सब चलता है। सो थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय।